जहां पुण्य होता है वहां सुमति होती है, जहां सुमति होती है वहां संपत्ति खींच कर आती है। मान अपमान भी मिथ्या है तो जन्म मरण भी मिथ्या है, लेकिन उस मिथ्या में सत्य स्वरूप का ज्ञान पा लेने वाला अपनी सात सात पीढ़ियां तार लेता है, वो बहादुर है। तुम्हारे अंदर जो पड़ा है वो उसकी महिमा मैं जानता हूं, तुमको पता नहीं। इंसान की बदबख्ति अंदाज से बाहर है, कम बख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। है तो सत्य लेकिन मिथ्या को मैं मान बैठा है, है तो शाश्वत लेकिन नश्वर को मेरा मान बैठा है। बस इसी से प्रज्ञा के अपराध शुरू हो गए। अगर आप सत्य का अनुभव कर लें तो आपको होगा, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया, अपने स्व पे मस्ताना होना सीखो। सुबह उठो नींद में से तो वो सत्य स्वरूप मेरा आत्मा है, वो चेतन स्वरूप मेरा आत्मा है, वो साक्षी स्वरूप मेरा आत्मा है। मैं उस आत्मा की आवाज का गला घोंटकर संसार के पाप ताप में नहीं पड़ूंगा। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हिम्मत, हरि ओम 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 बल, हरि ओम 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 शांति, हरि ओम ओम दृढ़ निश्चय, हरि ओम 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 हास्य, हरि ओम बिन फेरे हम फेरे। 72,000 नाड़ियों में ओमकार के गुंजन की ऊर्जा छा जाएगी, आपकी मति को बल मिलेगा, आपकी मति को बुद्धि को विकसित होने में बहुत मदद मिलेगी। बच्चे बच्चियों को भी ओजस्वी बनाओ, लेकिन बच्चे बच्चियों को एक प्रयोग और भी कराओ। बच्चे बच्चियों की मति पर जिस किसी का प्रभाव न पड़े ऐसा प्रयोग कराओ। बच्चे बच्चियों को तिलक लगाने की जगह पर रगड़ मार दे भगवान के नाम की, फिर मत्था टेक कर 2-2.5 मिनट पड़े रहे तो वे द्वेषी उद्वेगी और छोटी छोटी बातों में जिस किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे उनकी प्रज्ञा में क्या है कि बच्चे नापास हो जाते हैं अथवा लवर लवरियों के चक्कर में पड़ते, हस्त मैथुन के चक्कर में पड़ते तो याद शक्ति मारी जाती, फिर बोले स्कूल नहीं जाना है, मेरा मन नहीं करता है, कॉलेज नहीं जाना है, उसके साथ व्यथा है, लीकेज प्रॉब्लम, सपन दोष प्रॉब्लम। तो 80 ग्राम आंवले का पाउडर, 20 ग्राम हल्दी का मिश्रण मिलाकर 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम थोड़े दिन दे, सपन दोष की बीमारी, हस्त मैथुन की गंदी आदत, पानी पड़ने की बीमारी से फायदा होगा, बुद्धि में बल आएगा और विद्या में आगे बढ़ेगा और भक्ति में भी उसे आगे बढ़ने में मदद मिले तो अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण, मुझे आपकी न ताली चाहिए, न रुपया चाहिए, न फूलहार चाहिए, न जय घोष चाहिए, बस आपकी प्रज्ञा का विकास, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता की शक्ति चम चम चमकाए, मैं समझ लेता हूँ मुझे सब कुछ दक्षिणा में मिल गया। आपके पास है क्या जो मुझे दोगे? नश्वर धन को तो लात मार के बाबा जी बनाओ और हार्ड मास के शरीर को तो मैं अपने शरीर को अपना मैं नहीं मानता हूं, तो तुम्हारे शरीरों से मुझे क्या लेना है? जय राम जी की। लेकिन तुम्हारे अंदर जो पड़ा है वो उसकी महिमा मैं जानता हूं, तुमको पता नहीं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कभी कभी मेरा व्यवहार बहुत कड़क सा किसी को लगता होगा, लेकिन मैं जितना बाहर कड़क दिखता हूँ उतना ही भीतर से इतना कोमल। कड़क इसलिए बनता हूँ कि तुम्हारा समय अजाया न जाए। जय राम जी की। माँ जब प्यार करती है, पुचकारती है, गहने गांठे पहराती है और खूब खूब मिठाई मेवे खिलाती है, उस समय माँ का दयालु वृत्ति होती है और न चाहते हुए भी मल मल कर नहलाती और नाक दबोचती और साबुन से रगड़ती है, पकड़ के ऊपर छाती पे बैठ के दवा पिलाती है, वो भी माँ का
कृपा का स्वरूप है। जो दया में हमारी उन्नति छुपी है वैसी की वैसी कृपा में भी उन्नति छुपी है। तो भगवान और संत भी कभी कभी हमें कठिनाइयों में डाले तो समझ लो भगवान की कृपा हो रही है, और सुविधाओं में डाले तो समझ लो उसकी दया हो रही है। क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम है आपका विकास। जो प्रेम प्रभु से करना चाहिए, जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए, वो भरोसा अगर आपने अपनी पोस्ट पर किया तो खैर नहीं साहब, वहां से बदली होनी है। जो मोहब्बत ईश्वर को करनी है, वो मोहब्बत अगर स्त्री या पुरुष के शरीर को किया तो झगड़ा भेज देगा, बिल्कुल पक्की बात है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो भरोसा अपने आत्म सत्य पर करना चाहिए, वो अगर किसी नेता और जनता पर किया तो आपको कुर्सी से हटाकर बिठा देंगे कोने में, पूछ के देखो भूतपूर्व वालों को। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भूतपूर्व मंत्री थे, दिग्गज थे, लेकिन हार गए। जो भरोसा अपने आत्मा परमात्मा पर करके सच्चाई से सेवा करते थे, वो भरोसा अगर अपने दम बल और चमचों पे करते, वे बड़े बड़े दिग्गज हार जाते, कोने में पड़े रह जाते। नाम लेने से मेरे पास समय नहीं है, आप समझ लेना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे ही आपने भी जो मन लगाना भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए, वो छोड़कर किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी दोस्त पर, किसी पर किया तो वहां से आपको जरूर धक्का सहने की तैयारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि वो परम कृपालु है और आपके मनुष्य जीवन देने की उसकी कृपा है, और अजाया न जाए उसकी सुंदर व्यवस्था है। व्यस्त दिन में लोग बैठ जाएं इधर, तुम्हारी ताकत से तुम आए हो, मेरी ताकत से मैं बोल रहा हूं, नहीं, तुम्हारे और मेरे भीतर जो सत बैठा है, तुम्हारा और मेरा कोई ना कोई ऐसा सेवा का कार्य, सत्कर्म, चिंतन, भजन, संत सेवा, कुछ भी उसको जच गया है, और देर सवेर तुम्हारे दिल में वो बेपर्दा होना चाहता है, इसीलिए तुम बैठ पाए हो सत्संग में। नहीं तो सत्संग में 1 बजे तक बैठे रहना। राम कहो, राम। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो, वो सतगुरु मिले अनंत फल तुमको दिला रहा है, अनंत की कृपा है, इसमें किसी व्यक्ति की कृपा में नहीं मानता हूं। जहां पुण्य होता है वहां सुमति होती है, जहां सुमति होती है वहां संपत्ति खींच कर आती है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। रुपया पैसा ही संपत्ति नहीं मान लेना, दिल की प्रसन्नता बड़ी संपत्ति है, सुख दुख में सम रहना बड़ी संपत्ति है, सुखी को देखकर ईर्ष्या न होना ये भी संपत्ति है, और दुखी को देखकर अपने में अभिमान न आना और सेवा का भाव आना ये भी संपत्ति है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निदाना। तो एक होता है सत्य व्यवहारिक, दूसरा होता है सत्य। तो ये जगत सत्य नहीं है, असत भी नहीं है, जगत मिथ्या है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, दिखने भर को है, परिवर्तित है, उसको मिथ्या बोलते हैं। तो शरीर मिथ्या है, दुख सुख भी मिथ्या है, मान अपमान भी मिथ्या है, तो जन्म मरण भी मिथ्या है। लेकिन उस मिथ्या में सत्य स्वरूप का ज्ञान पा लेने वाला अपनी 7-7 पीढ़ियां तार लेता है, वो बहादुर है। भगवान शिव जी के तरफ से तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या
च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु के लिए श्रद्धा है। गुरु का ज्ञान पचाएगा, भक्ति होगी तभी पचाएगा।